राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक का उदयपुर पहुंचने पर हुआ स्कूल में स्वागत सम्मान। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान का उदयपुर जिला अपनी खूबसूरती और पर्यटन स्थल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर मानव तस्करी का काला दाग भी लगा हुआ है। उदयपुर से आदिवासी बच्चों को गुजरात ले जाकर मजदूरी करवाई जाती है। मानव तस्कर नन्हे मुन्ने बच्चों को बाल श्रम में धकेलकर उनकी जिंदगी के रंग छीन लेते हैं। ऐसे ही कई बच्चों को मानव तस्करी के दलदल से छुड़ाकर जिंदगी संवारने का बीड़ा उठाया नागौर के रहने वाले शिक्षक दुर्गाराम ने। मूलतः वे नागौर के रहने वाले हैं और वह उदयपुर के फलासिया पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। आपको बताते हैं, इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नागौर के दुर्गाराम मोवाल का भी सम्मान हुआ है। गौरतलब है कि एक रात को 20 से 25 बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से घेर लिया, लेकिन इस बहादुर शिक्षक ने बच्चों को मानव तस्करी से मुक्त करवाने की मुहिम छेड़ी और जिसके तहत इन्होंने 400 बच्चों को मुक्त करवाया। इसी के चलते आज जब वे झाड़ोल पहुंचे तो स्कूल के शिक्षकों और बच्चों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर जागृति मेघवाल, सरपंच जगदीश कसोटा, भेरूलाल हरीश जी, मधु गौतम, मीनाक्षी भटनागर, मीनाक्षी दया, सीपी सर, जयेश कमले सहित शिक्षक व बच्चे शामिल रहे। तो दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।